एट पास मास्टर शेफ चैनल में सबका नमस्ते। आज बनाने वाली हूँ गोंदोरा चिकन रेसिपी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, स्टिम मत करिए। चलिए दोस्तों बनाने को स्टार्ट करते हैं। पहले लिया हूँ स्प्रिंग अनियन मतलब प्याज का कली और धनिया पत्ता, दोनों 50-50 ग्राम है। और लिया चिकन 300 ग्राम, तो 250 से 300 ग्राम तक बिग कटिंग काट लिया, मतलब बड़ा काट लिया। इसका बाद में स्प्रिंग अनियन धनिया पत्ता को क्या करेंगे, एक उगल हुआ पानी में डाल देंगे और एक बार उगल लेंगे। डालने के बाद देखिए पहले से बैठा दिया था, पानी उगल गया, इसको डाल दिया और फिर उगलेगा तब इसको निकाल देंगे। देखिए दोस्तों उगल गया, इसको फिल्टर कर लेंगे दोस्तों इस तरफ से हमसे। तो इसको ठंडा करने के बाद पीस लेंगे, पहले लेंगे। इसके बाद में चिकन, चिकन का मैरिनेशन करेंगे दोस्तों। इधर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी दही डालेंगे, इसके बाद में डालेंगे थोड़ी सी नमक, इसके बाद में थोड़ी घी डालूँगा, गोलमरीच का पाउडर इसको, इसके बाद में डालूँगा दोस्तों थोड़ा सा चिकन मसाला, कबा गर्म मसाला डाल दी। इसका बाद में थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में मैं लूँगा गंदराज का लेम्बू और ऊपर से क्रॉस कर लेंगे, जो हरा कलर है वही वाला का क्रॉस करेंगे, ग्रेटर लेके क्रॉस कर लेंगे। इसको जैसे सफ़ेद वाला नहीं जाने चाहिए दोस्तों, सारे को ग्रेट ना पूरा ग्रीन कलर का ग्रेट करने चाहिए। तो उसको डालने फ्लावर लेके, मतलब खुशबू आने के लिए डालते हैं दोस्तों। देखिए डाल दिया, इसको थोड़ी सी मिक्स कर करके लगभग आधा घंटा इसको स्टॉक में रख देंगे, तो मसाला अच्छी तरह से पकड़ेगा। इसके बाद में लेंगे दोस्तों, इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए जो उगल हुआ स्प्रिंग अनियन धनिया पत्ता ये सब निकाले। इसके बाद मसाला रेडी करने जाएंगे। एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, चला डाले गर्म होने का तेल डाल दिए। इसके बाद में वो चिकन आधा घंटा बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, चलो फ्राई करेंगे। देखिए देखो तवा फ्राई बोलता है, इस तरफ से फ्राई करेंगे, 50% फ्राई करेंगे, फुल पकाएंगे नहीं। देखिए सारे को इस तरफ से डाल देंगे ये करके। देखिए दोस्तों इस तरफ के डालने के बाद अच्छी तरफ से इसको भूनूंगा, ऊपर से जितना मसाला बैलेंस था इसको चिकन का ऊपर डाल देंगे। इधर पर डालने के बाद एक एक उल्टा देंगे, मतलब प्लॉट देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे ब्राउन कलर आ गया, तो एक एक करके निकाल लेंगे दोस्तों। हाँ 50% हो गया चिकन, निकालने के बाद इसका मसाला रेडी करेंगे। चिकन तेल डाल दिया थोड़ी सी, इसके बाद में डालूँगा काटा हुआ 100 ग्राम तक कि मैं थोड़ी सी चिकन लिया। बहुत आदमी 1 किलो 2 किलो चिकन से बनाते हैं, मैं बनूंगा सबसे कम चिकन में। देख ले दोस्तों जो मेरे चैनल में पहले है दोस्तों, तो थोड़ी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों प्याज फ्राई हो गया था, हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसका बाद डालना थोड़ा जीरा पाउडर और इसका बाद डालूँगा थोड़ी सी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालूँगा, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और कुछ मसाला नहीं जाएगा दोस्तों। इसके बाद में चिकन डाल देंगे, इसका साथ चिकन डालने के बाद अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। इसे करने के बाद इसका बाद डालूँगा दोस्तों काजू का पेस्ट, काजू पेस्ट रखा था इसको सारे को डाल देंगे। मैं काजू लिया 50 ग्राम तक, फुल पीसेस को पीस लिया, इसका संतर पानी था मिसा दिया, डाल दिया दोस्तों। इसको थोड़ी सी इस तरफ से पकाएंगे, पकाने के बाद अच्छी तरह से पकाएंगे। इसका साथ डालूँगा और थोड़ा पानी, पानी डालने के बाद नमक, नमक का बाद इसको बिल्कुल ढक्कन डाल के पकाऊंगा दोस्तों लगभग 10 मिनट। इसका बाद लूँगा जो उगल हुआ मेरा
अदरक का मसाला पेस्ट करूँगा ग्रीन कलर का, इसका साथ डालूँगा 4 पीस ग्रीन चिल्ली मतलब काचा मिर्ची ले लेंगे दोस्तों। इस तरह से पीस लेंगे, पीस लिया दोस्तों, देखिए कितना प्यारा मसाला बन गया। तो जाऊँगा सीधा चूल्हा में, ढक्कन उठा दिया, इसका मैं डाल दूँगा, इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अच्छी तरह ऐसा बन गया, आप लोग वीडियो में देख रहे बने रहे, मेरे को लगता है आप लोग वीडियो में बने हैं, आज तक फुल वीडियो वॉच करिए दोस्तों, तो समझ में आएगा किस तरह से घर में गरम चावल का साथ और गरम नान रोटी कैसा साफ कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। इसका बाद में थोड़ी सी गर्म मसाला डाल दिया दोस्तों, इसको थोड़ा 5 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों, कलर चेंज होने तक दोस्तों, खुशबू जो मज़ेदार है। इसका बाद में डालूँगा दोस्तों थोड़ा कैवड़ा वाटर, कैवड़ा वाटर आप लोग बाज़ार में अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा गंधराज चिकन बहुत प्यारा सा बन गया दोस्तों, चिकन अच्छी तरह से गल गया मतलब पक गया दोस्तों, कलर देखिए जब जबरदस्त। मैं डाल रहा हूँ कैवड़ा वाटर दोस्तों, बहुत प्यारा सा बन गया। देखिए दोस्तों आप लोग घर में ट्रायल करिए, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे देख रहे और रेस्टोरेंट में जरूरी था ट्रायल करिए, कस्टमर फ्लेवर नया रेसिपी निकल गए दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी चूल्हा बंद करेंगे, प्लेट में साफ करेंगे, गार्निश के लिए डालेंगे थोड़ा नींबू स्लाइस, चारों तरफ लगा देंगे, ऊपर से थोड़ा हरा मिर्च डाल दिए दोस्तों, इस तरफ से डाल दिया। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, रेसिपी पसंद आई तो चैनल को जरूरी जब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरे को शेयर जरूरी कर दीजिए। तो तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी लेकर। आप लोग अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, फिर मेरा रेसिपी देखिए और आगे बढ़िए, तब तक बाय बाय।